अज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनिया बर्थडे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है 8 दिसंबर एंड आई एम द बर्थडे गर्ल टुडे। की धूप देख रहे हो, ये नेचुरल लाइट है और आज है हम बर्थडे गर्ल। आई एम द बर्थडे गर्ल, थैंक। और देखो ऐसा कुछ माइंड में है नहीं प्लान्स कि क्या करेंगे, क्या है बाकी। और आज तो यार भारत बंद है, आज तो भारत बंद है, तो जो प्लान्स होते माइंड में वो भी निकल जाने थे। और देखते हैं इनकेस इनके माइंड में कुछ है तो आई डोंट नो, बट अभी तक आई एम मिसिंग होम बैडली यार। थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होता है ना कि यार आप मिस करते हो, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और है मुझे थोड़ा इमोशनली। जब से मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तब से लग रहा है कि यार आई एम मिसिंग समथिंग ऐसा वाला, और बात करके थोड़ा इमोशनली भी हो गई थी मैं। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या प्लान्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कुछ होता है भी है कि नहीं होता है। बिकॉज हर बार हम मेरे बर्थडे पे स्पेशली हम बाहर घूमने जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे, इट वाज ऑसम ट्रिप, और इस बार नहीं बना पाए प्लान बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो लेट्स सी, देखो क्या क्या करते हैं। तो बर्थडे गर्ल क्या कर रही हो? अरे यार मैं ना काम कर रही हूँ, बाहर जाने के लिए तैयार होके बैठे हैं, लेकिन काम भी है ना, कर्म ही पूजा है, क्या करें, बर्थडे तो एक दिन आता है ना। बाहर नहीं चलना है क्या? बाहर चलना है ऑफकोर्स। चलो चलो चलो, थोड़ा सा है इमरजेंसी वाला है, छुट्टी भी नहीं ले सकती थी यार क्योंकि ना थोड़ा काम आजकल ज्यादा ही है, कल तक मुझे पूरा करके देना है, तो होता है ना कभी कभी। तो सब कुछ आज ही होना था क्या तुम्हारे बर्थडे पे? हाँ देखो मतलब ये भारत बंद भी आज ही हो गया, अदरवाइज कल मंडे था, कल वेंसडे है, फिर उसके बाद यार पूरा वीक पड़ा है, बस आज ही होना था सब कुछ, कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सको ताकि। और ऐसे बट आई एम विद फार्मर्स, कोई गिला नहीं है उसमें। तो चलो यार चलते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ मैं। चलो गेट रेडी। तो फाइनली हम लोग ना हिम्मत करके घर से बाहर निकले थे एक बार, मतलब सोचा कि यार पता नहीं क्या होगा, डंडे ना पड़ जाए लॉकडाउन की तरह। तो पर यार बहुत कुछ खुला हुआ यार, तो हम लोग जा रहे हैं। तो लेट्स सी, हमारा गौशाला जाने का प्लान है, तो वहाँ पे जाते देखो पीछे देखो सब कुछ खुला हुआ है, एकदम नया भारत बन जैसा कुछ। तो यार पर्सनली दिस इज नॉट शोइंग ऑफ पर्पस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोटिवेशन कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको ये करना चाहिए, तो दिस इज अ परफेक्ट डे फॉर इट। एंड या मेरे सरप्राइज की शॉपिंग मेरे सामने हो रही है, नॉट सो फनी अबाउट इट। जब आप लोग साथ में रहने लगते हैं तो फिर क्या छुप सकता है यार, मतलब आप कर नहीं सकते अकेले, कैसे ही प्लान करोगे, दूसरे का तो पता लग ही जाना है कि आप क्या करने वाले हो। सो फॉर अ चेंज आई एम वर्किंग इन बेडरूम, क्योंकि मुझे जो है ड्राइंग रूम में जाने की परमिशन नहीं है यार, समथिंग इज है ना, समथिंग प्लान्ड कि कुछ कुछ चल रहा है उधर पे, तो आई डोंट नो क्या चल रहा है। मैं बस काफ़ी टाइम से बेडरूम में बैठ के काम कर रही हूँ, और या बस देखते हैं कब तक पूरा होता है, और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है एक्चुअली। हाँ दिन में शॉपिंग करी थी, बट हाँ उनके माइंड में क्या है, कैसे डेकोरेशन करना है, कैसे क्या करना है, आई नो दैट कि हाँ सरप्राइज़ है, तो उसको सरप्राइज़ की तरह रहने दो ना, सामने वाले को बहुत खुशी होती है उस चीज़ में। तो या okay, तो बर्थडे के लिए सारा प्रिपरेशन हो चुकी है, चलो बर्थडे कल को बुलाते हैं हम। तो ये कर रहे थे आप? ये यार इट्स टू ब्यूटीफुल, वाओ यार आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिम कि हाँ मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा घर में, बट यार सी इतना अच्छे से इन्होंने किया है ना सब कुछ। सी मैं आपको इसका बैक व्यू दिखाती हूँ ना, मतलब ऑसम वाली फील आ जाती है ना व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू, समथिंग स्पेशल। वाओ वाओ वाओ।
है ना, सो 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 ब्यूटीफुल. थैंक यू हस्बैंड जी, थैंक यू पतिदेव. यू वेलकम जी, इट्स माय ड्यूटी. सी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू, थैंक यू रीना, थैंक यू भव्या. This is the most I love. और ये तो मैं रखती हूँ यहाँ पे. Yes. Happy birthday to me. For my audience. बहुत बहुत थक गया डांस करके. खाना है, खाना खाना है. क्या मंगवाया आपने? तो क्या है स्टार्टर में? है दही कबाब. वाओ, माय फेवरेट वन. हनी चिली पोटैटो. हनी चिली पोटैटो इज आल्सो माय फेवरेट. इट्स योर बर्थडे. यस, बाय. नो बाय, अभी हम मिलके ब्रेकफास्ट, सॉरी स्टार्टर करें. उधर से तो क्या क्या है स्टार्टर में? हनी चिली पोटैटो, दही कबाब प्लस जूसेस, हेल्दी वन. तो ये था मेरा छोटा सा लॉकडाउन वाला बर्थडे सेलिब्रेशन. बाहर कहीं जाने का प्लान था नहीं, और वैसे भी आज थोड़ा बंद था बाहर, तो वैसे जा सकते थे, बट हमें था कि घर पे ही सेलिब्रेट करना है यार. और ऊपर से ऑफिस का मतलब काम था, तो ऑफिस का भी ऑफ नहीं था. तो हम लोग अभी मतलब कर लिया सेलिब्रेशन जो करना था, बट हाँ, इट वॉज सो गुड. अच्छा लगता है ना जब सरप्राइज होता है आपके लिए और कोई कुछ करता है इतने मन से. तो थैंक यू मिस्टर हस्बैंड. और चलो, बहुत अच्छा रहा दिन, बहुत सही था. आई मिस्ड माय होम सो बैडली. होता है ना कि यार इमोशनल कनेक्ट होता है, तो आई मिस देम. बहुत लोग होते हैं सेलिब्रेशन में तो और भी अच्छा लगता है, पर अभी ऐसा है कि हम दो ही हैं यहाँ पे, तो बस दोनों का कनेक्ट रहता है. बट सीरियसली, यू मिस देम. जब भी आपका स्पेशल मोमेंट होता है तो आप घर वालों को बहुत मिस करते हो. सेम विद मी. तो हो गया खत्म,
चलो कैसी लगी वीडियो बताना, शॉर्ट है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो बिकॉज लास्ट टाइम तो बहुत ग्रांड था यार, बट उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं बिल्कुल दिखा नहीं पाई आपको। हम लोग एक क्रूज पे थे ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच और इतना सही क्रूज था और लाइव सिंगिंग और मस्त, एक शॉर्ट वीडियो डाली है मैंने, उसमें आप देख लोगे कि यार बहुत सही था। और ऊपर से जब अनजान लोग आपको विश करते हैं ना आके और लाइव सिंगिंग चल रही होती है तो यू फील लाइक सेलिब्रिटी यार। और वो बर्थडे मेरा आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे रहा है। और ठीक है, ये भी जैसा होता है सिचुएशन के साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो या इट वॉज सो गुड, अमेजिंग। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, हियर इज द आईडी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आप से प्यार करिए और लाइफ जीते रहिए। एक ही तो जिंदगी है यार, क्या करना है, एंजॉय करो लाइफ को मस्त।